हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। अभी रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर अपने भाई को अपने हाथों से बनाई हुई मिठाई खिलाने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए आज हम कोकोनट बर्फी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में 2 चम्मच घी डाल देंगे। अब हम इसमें अपना 250 ग्राम पिसा हुआ नारियल का बुरादा डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे। इसे हमने थोड़ा सा भून लिया, इसे हम ज्यादा नहीं करेंगे ताकि इसका कलर ना चेंज हो जाए। अब हम इसमें अपना 1 गिलास दूध डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे पका रहे हैं। इसे हमने थोड़ा सा पका लिया है। इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसमें हमने 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें अपनी 100 ग्राम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी हम इतनी ही डालेंगे क्योंकि मिल्क पाउडर भी थोड़ा मीठा होता है और इसमें ज्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। फिर भी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने अपनी चीनी डाली थी तो चीनी पानी छोड़ जाती है, तो इसीलिए देखिए ये बैटर थोड़ा पतला होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब ये बैटर हमारा ठीक हो गया है। इस स्टेज पर हम इस पे थोड़ा सा घी डाल देंगे। अब हम इसमें अपना 2 चम्मच घी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बन चुका है थोड़ा। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए केवर एसेंस डाल देंगे। आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब ये बैटर हमारा बनकर एकदम तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम अपने बैटर को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब ये बैटर हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। इसे हमें ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है। अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इसे हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसे हलवाई जैसा लुक देने के लिए एक पार्ट में थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। हम इसमें ग्रीन कलर डाल रहे हैं। आपके पास जो भी फूड कलर अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। ये हमने कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपनी बर्फी को जमाने के लिए मोल्ड तैयार कर लेते हैं। ये हमने ना बटर पेपर लगा देते हैं। इसमें हमने बटर पेपर लगा दिया। अब हम इसे घी से ग्रीस कर देंगे। ये हमने घी से ग्रीस कर दिया। अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे। सबसे पहले हम व्हाइट वाला बैटर नीचे डाल देंगे। ये सारा हमने फैला दिया है। अब हम इसमें अपना ग्रीन वाला बैटर डाल देंगे।
अब हम इसे भी अच्छे से फैला देते हैं। इसे हम अच्छे से एकदम प्लेन कर देंगे। अभी अच्छे से प्लेन हो गई है, अब हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देंगे। मेरे पास थोड़ा सा चांदी का वर्क था, वो उसमें हमने लगा दिया है। इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम डाल देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं। स्पैचुला से हम थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस कर देते हैं। इसे हमने सेट कर दिया है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब ये बर्फी को हमने फ्रिज से निकाल लिया है, ये एकदम सेट हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने प्लेट में सजा दी है, अब ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। ये देखिए, मैं आपको एक पीस तोड़कर भी दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने रिव्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।